हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी के लिए, टॉपिक है क्या आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, डू दे लव यू और नॉट, येस और नो में आंसर जानने की कोशिश करेंगे। और स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। तो जो भी सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, उसी के अकॉर्डिंग जानेंगे कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है या नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सभी को बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और ये टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, चलिए आप स्टार्ट करते हैं। ओके, एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, वी हैव एज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, वी हैव पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। चलिए, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, वाटर साइन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है अभी तक। वी हैव द सन कार्ड, लियो, and we have king of swords, gemini, libra and aquarius, seven of cups, okay, temperance and nine of cups। cups के कार्ड बहुत ज्यादा हैं, तो मुझको यहाँ पर ना cancer, scorpion, pisces बहुत ज्यादा strong दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे sagittarius, leo, gemini, libra, aquarius दिख रहा है और यहाँ से है nine of swords। okay, तो देख लेते हैं आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं या नहीं। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं गाइस, तो यस, पहले ही मैं आंसर बता रही हूँ आपको, लेकिन एक सिचुएशन है यहाँ पर जो आपको सुननी पड़ेगी। वैसे तो आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, बट राइट नाउ वो इमोशनल विड्रॉल में है। ठीक है, इमोशनली काफ़ी लॉस फील कर रहे हैं, हर्ट है अंदर से, उनका जो हार्ट चाक्रा है ना, वो काफ़ी, उन्होंने अपने इस चाक्रा को काफ़ी ज़्यादा ना ब्लॉक कर लिया है आपके लिए राइट नाउ। तो ये इस वजह से भी हो सकता है कि इसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गई थी आप में और दूसरे लोगों में, इसको नहीं समझ आ रहा था कि आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पजल हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ गए थे। ठीक है, इसको नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन राइट नाउ इसके पास क्लैरिटी है, इसको पता है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं इस पर्सन के लिए और आपकी खुशियाँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं, आपका फ्यूचर इसके साथ है। ये चीज़ें अब ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इवन इस पर्सन के लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं इसके दिल में, इसके मन में आपको लेकर, और ये एक सडन चेंज चाहते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी की एक चेंज आ जाए, कुछ तरीके ऐसे अप्लाई हो जाएं, कुछ मिरेकल हो जाए जिसकी वजह से इस पर्सन को ये इमोशनल विड्रॉल ना फील हो और ये एक स्टेप ले सके आपकी तरफ। क्योंकि देखो, आपको ये बहुत अच्छा मानते हैं, इसे पता है कि आप बहुत ही ऑनेस्ट हैं, काइंड हार्ट हैं और सॉफ्ट हार्ट हैं और बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, छल कपट से दूर हैं, ये सब चीज़ें सोचते हैं आपके बारे में, आपकी खुशियाँ इसके साथ जुड़ी हुई है। तो राइट नाउ ना ये पर्सन अभी काफ़ी हद तक मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द टेम्परेंस कार्ड और विद द सन कार्ड। मुझे ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि आप इस पर्सन के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं और इस ये पर्सन बिल्कुल देख रहा है एट द एंड कि ये सन ही इस ज़िंदगी में आ जाएगा, इस कनेक्शन में आ जाएगा। लेकिन अभी ये पर्सन मुझे हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं, खुद की सोल को अवेकन करते हुए दिख रहे हैं। देखो, ये वैसे तो रातों को जाग भी रहे हैं, इसको नींद नहीं आ रही है आजकल, क्योंकि इसको लगता है कि इसने आपको काफ़ी हर्ट पहुंचाया है रीसेंट पास्ट में और ये बहुत जल्दी कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं जिससे कि आप दोनों के लिए अच्छा रहे, ऐसा ये सोच रहे हैं। इसको काफ़ी क्लैरिटी मिल चुकी है, कन्फ्यूज़न काफ़ी हद तक दूर हो गई है और ये पर्सन प्यार तो करते हैं लेकिन फिर भी ट्रू लव ओरेकल डेक से जानेंगे कि क्या सच में ही प्यार करते हैं। हीलिंग अगर ये अपने इनर वर्क कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, तो डेफिनेटली प्यार करते हैं, तभी तो कर रहे हैं। यहाँ से जानते हैं यहाँ से क्या आएगा, इमोशनल फ्रीडम। इसको इमोशनल लेवल पर फ्री होना है, इसको कोई गिल्ट वगैरह फील नहीं करनी है, पहली बात तो ये है। एंड वी हैव शिवलरी, ये पर्सन चाहते तो हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, ठीक है, सब कुछ ठीक कर दें,
पर ये इमोशनल लेवल पर अभी फ्री नहीं है, ये इमोशनल विड्रॉल में है, ये इमोशनल लॉस में है बहुत ज़्यादा। सेक्सुअल फ्रीडम, देखो काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल अटैचमेंट है, सेक्सुअल कनेक्शन है, मतलब ये पर्सन ना आपको लेकर काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, आपके साथ एक अलग ही वाइब्रेशन या फिर एनर्जी फील होती है इस पर्सन को, तो ये इस वजह से भी ना ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। और फिर आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्ट पर्सन हैं, तो इस वजह से भी ना ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। इसको लगता है कि जो भी इसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, जो भी इसकी ज़िंदगी में संघर्ष है, आपकी बातें, आपका प्यार हील कर सकता है इसको, आपका प्यार इसको सपोर्ट कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, और इसके इस डार्क एरिया से बाहर निकालने में मदद कर सकता है, इसको अनकंडीशनल लव कर सकता है, इसको सपोर्ट कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें भी ये सोचते हैं। आपका प्यार इसको काफ़ी हील करता है गाइस, इसको ये चीज़ भी फील होती है। फॉरगिवनेस, ये दिल से चाहते हैं आपसे सॉरी बोलना, माफ़ी मांगना, ऐसा सोच रहे हैं ये। ये आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन मानते हैं नो डाउट, और इसीलिए ये आपसे सॉरी भी बोलेंगे, क्योंकि आप इसके लिए बहुत स्पेशल हैं। और जो भी कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में पास्ट में हुआ है, या इसने अगर आपको हर्ट किया है, तो इसको पता है कि आप इसकी ऐसी दवा हैं जो इसके हर दुख का इलाज है, ठीक है, इसको हर एक अंधेरे से निकालने में आप मदद करते हैं, तो आप इसके लिए एक स्पेशल पर्सन हैं, इसीलिए आपको छोड़ेंगे कभी नहीं, आपको हमेशा ही मैनिफेस्ट करेंगे। और देख लो कितना ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लस्ट फीलिंग्स भी हैं यहाँ। वेल गाइज, अगर अपने क्वेश्चन के आंसर पे आएँ तो येस, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस प्यार को, ताकि इसको और क्लियरिटी आए और ये अपना ये जो प्यार अंदर छुपाए बैठे हैं ये आपके सामने बता सकें, ठीक है। थोड़े से और कार्ड्स निकाल देते हैं, मैंने कहा था येस और नो में पता करेंगे, तो एंजल हमें बताएंगे कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। You are ready, okay. Ask for help from others. Wait a second. Big happy changes. Forgiveness. Communicate clearly. Okay. Choose a new direction. We have no compromise. हो सकता है कि इस पर्सन को अभी 100% श्योरिटी नहीं है और अभी ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा इनकी सोल हील होती रहेगी उतना ज्यादा इस पर्सन को श्योरिटी हो जाएगी कि यस ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। फिलहाल आप इसकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस लेकर आ सकते हैं और ये एक नई डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं। इसको अभी तो काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील हो रहा है जो भी इसने पास्ट में किया है, या आपको भला बुरा कह दिया, या आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, उन सारी बातों को लेकर इसको काफ़ी रिग्रेट है। और ये आपसे बहुत साफ शब्दों में बात करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है, लेकिन ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि जब तक आप दोनों रेडी नहीं हो जाते तब तक शायद डिवाइन ये कम्युनिकेशन होने नहीं देगी। तो इसीलिए आपको ना हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, खुद को अवेकन कराने के लिए, खुद को अपना इनर वर्क अच्छे तरीके से कराने के लिए, ताकि आपकी जो ये हीलिंग प्रोसेस है ये पूरा हो जाए और देन आपको डिवाइन ये बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में भेज दें, आप दोनों एक दूसरे से बात कर सकें। तो आपके पार्टनर भी मुझे मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, आप भी करते रहिए। फिलहाल प्यार आप दोनों के दिल में है, ये बात तो यहाँ पर क्लियर है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब तक आप दोनों रेडी नहीं हो जाएंगे तब तक के लिए आप कोई नई डायरेक्शन चूज कर लो गाइस, कुछ ना कुछ नया काम कीजिए, ठीक है, ताकि आपके इनर वर्क में स्पीड बढ़ जाए और आपको आपके पार्टनर अपने दिल की बात बता पाएं, ठीक है। कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ मैं आपके पार्टनर की तरफ से, यहाँ से क्या मैसेजेस आएंगे, ज़्यादा ही मैसेजेस देना है इन्हें। वेट अ सेकेंड, ओके, यू गिव मी इनफ स्पेस,
आपने तो उसको इनफ स्पेस ही दिया है हमेशा, और देते भी हैं। यू मेक मी कंप्लीट, आप ही कंप्लीट कराते हैं इसे। दो आ रहे हैं मैसेजेस। यू आर वेरी क्यूट एंड अडोरेबल, और तभी इतना ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन भी है। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, एंड वी हैव यू अप्रिशिएट मी, आप इस पर्सन को अप्रिशिएट करते हैं। एंड देखो क्या बोल रहे हैं, यू साउंड सेक्सी ओवर द फोन, तो आपकी ना आवाज़ बहुत सेक्सी साउंड करती है, इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है यहाँ पर। सो गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर यहाँ आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।